दोस्तों, नेपाल दुनिया का बहुत ही खूबसूरत देश है, जिसे दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल हरियाली से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं। नेपाल में घूमने के लिए कई तरह के लोग आते हैं, जैसे किसी को बड़े बड़े पर्वतों का नजारा देखना होता है। आज हम आपको ऐसे ही शानदार जगहों को दिखाएंगे, ताकि जब भी आप नेपाल जाएं, तो इन सब जगहों का मजा ले सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, लुम्बिनी। हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। ये जगह भारत सीमा के करीब पाल के रूपनदेही जिले में स्थित है, जो एक बहुत ही शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताजा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर मंदिर भी है, जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। नंबर 2, काठमांडू। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। ये शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जिसमें 1.5 मिलियन से अधिक लोगों का घर है। ये शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहां आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ साथ शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव कराता है। नंबर 3, जनकपुर। जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यहाँ देखी जाने वाली खास जगहों में से एक है। आपको बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान है और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस जगह में कई तालाब हैं जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। ये शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को बहुत उत्साहित करता है। नंबर 4, पोखरा। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में बसा पोखरा नेपाल का एक महानगरीय शहर है, जिसको नेपाल की पर्यटन की राजधानी भी कहते हैं। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। बता दें कि पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का ये प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी खूबसूरत नजारों और रोमांचक खेलों से रूबरू करवाता है। पोखरा शहर गंडकी नदी और उसके कई सहायक नदियों द्वारा बांटा हुआ है और यहाँ के अनूठे भूगोल में योगदान देता है। अन्नपूर्णा रेंज, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें 4 ऊंची चोटियां हैं, इसके ऊपर पोखरा बसा हुआ है। नंबर 5, नागरकोट। अगर आप नेपाल के बाद हिमालय के पर्वतों को उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं, तो नागरकोट आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। नागरकोट नेपाल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक है। नागरकोट से आपको हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला को देख सकते हैं। इस जगह से आपको अन्नपूर्णा, मनासलू, नुम्बूर, गणेश हिमाल, जुगल, एवरेस्ट, लैंगटांग और रोलावलिंग पर्वतमाला स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। नागरकोट काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को हिमालय पर्वत के खूबसूरत दृश्यों को दिखाकर आश्चर्यचकित कर देता है। 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नागरकोट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। नंबर 6, पशुपतिनाथ मंदिर। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है, जो काठमांडू शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर पूर्व में सुंदर और पवित्र बागमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां पर रोज हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर आश्रमों के साथ साथ एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जो यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को एक अलग शांति का अनुभव कराता है।
साल 1979 में पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग बॉडी का सिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से बना हुआ है। नेपाल में साल 2015 में एक भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से इस मंदिर की कुछ बाहरी इमारतें ध्वस्त हो गई थी, लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह अब भी सुरक्षित है। दोस्तों, अब आप इनमें से कौन सी जगह सबसे पहले घूमने जाना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।